वेलकम बैक टू नेलका फैशन। आप ये जो कपड़ा देख रहे हैं ये ब्रोकेट का कपड़ा है। इसी ब्रोकेट के कपड़े का रेड वाला मैंने जो 1 मीटर कपड़े में 4 साल की लड़की का लहंगा बनाया था उसकी कटिंग और स्टिचिंग जो आपके साथ शेयर की थी ये वही वाला उसी कपड़े का ब्लू कलर है। आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास ये 3 मीटर है और ये 13 साल की लड़की का है। इसकी जो माप है वो हमारे पास इसकी जो लंबाई है और कमर जो हमारे पास इसकी है वो 30 है और इसकी जो लंबाई है वो 38 है। ये आप देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था कमर हमारे पास इसकी 30 है और लंबाई हमारी इसकी 38 है। अब इसमें हम जो लूजिंग को ऐड करेंगे तो मैं इसमें लूजिंग 2 इंच की दूंगी तो हमारी कमर हो जाएगी 32 और जो हमारी लंबाई है उसमें हम प्लस एक यहाँ लेंगे हम सिमर अनाउंस के लिए और इसी में से हम इसका बेल्ट 38 में से इसकी जो बेल्ट की लंबाई है वो भी उसी में से जितने इंच का हम बेल्ट निकालेंगे वो भी इसी लंबाई में से ही निकालेंगे। तो मैं इसमें बेल्ट इस 2 इंच का रखूँगी तो अब 38 माइनस 2 तो हमारे पास हो गया ये 36 यानी हम जो लहंगा कटिंग करेंगे वो 36 इंच का होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कपड़े को हम पहले इस तरीके से उल्टा कर लेंगे यानी जो सीधा वाला भाग है हम वो अंदर रखेंगे और जो उसका बैक साइड है उसको फ्रंट कर लाएंगे कि हमने इसे ये देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे इस तरीके से इसको। ये देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड बिछा लिया है ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम आप चाहे तो आप इसको 2 फोल्ड और कर बीच में से जो अर्ध चंद्रमा होता है आप ऐसा भी कटिंग कर सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो आपके साथ अगली लहंगे में शेयर करूंगी। इसे हम ट्राइंगल शेप बनाकर ही कटिंग करेंगे तो ये 2 लेयर आपने देख सकते हैं अभी हमारे पास 2 लेयर है। अब इसकी ये जो हिस्सा है ये ओपन साइड है तो हम इसकी क्लोज साइड से इसको इस तरीके से हमने कपड़े को ट्रायंगल भी शेप में बिछा लिया है। अब यहाँ जैसे हम हर बार करते हैं ये देखिए हमने ट्रायंगल बिछा लिया है। अब हम यहाँ से हमारी कमर का 4th भाग लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया कि 4 फोल्ड है तो हमारी जो कमर है 32 तो 32 का 4th भाग होता है 8 तो हम यहाँ ये रखेंगे ये देखिए यहाँ से यहाँ तो हम एक ही स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे ठीक है। अब यहाँ जो है हम टेप यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से आप देखिए 10:30 आ रहा है ठीक है तो हम और यहाँ हमारा आ रहा है 10:30 में 2 सूत कम यानी अगर हम ये माप लेते हैं तो हमारा लहंगा का जो मेजरमेंट है वो बिगड़ जाएगा तो इसलिए हम इस कोने का एक नाप लेंगे और यहाँ 20 सेंटर से यहाँ का लेंगे। कर्व शेप आएगा थोड़ा हमारा यहाँ से फिर हम इस तरह से हम पूरे को मार्क कर लेंगे और एक कर्व देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देख रहे हैं अब हम इसमें बेल्ट की जो है 2 इंच का बेल्ट देंगे और लंबाई हमारी इसकी है 36। अब देख रहे हैं ये मैंने ये जो डॉट लगा रखा है ये
अब इसमें हम एक इंच मार्जिन देंगे तो हमारा हुआ 37। अब हम सेम जो पहले वाले लहंगे में मैंने आपको बताया था अम्ब्रेला लहंगा जो बच्ची का बनाया था उसी वही वाला मेजर के साथ हम करेंगे। यहाँ टेप रखेंगे और यहाँ से मेन कॉर्नर से तो जो हमारा 37 जो हमने सिमल अनाउंस के लिए लिया है वहाँ तक कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा आ रहा है ये देखिए 2 इंच हमने बेल्ट लिए रखा है और हमारा मेन जो माप है कमर का वो 36 है और उसमें एक ही जो हमने सिमर अनाउंस के लिए रखा है। अब हम वापस से टेप उठाएंगे और मेन कॉर्नर पे रखेंगे वहाँ से यहाँ तक का माप लेंगे तो ये देखिए 45.5 यानी 45.5 आ रहा है। ठीक है अब यहीं से हम टेप लेंगे वापस से और यहाँ से उठाएंगे वहाँ कोना से हमें उठाना नहीं है और 45.5 यहाँ करना है कि 45.5 यहाँ। ये इस तरीके से हमें पूरे पे कर्व शेप दे देना ये। ठीक है अभी हमारा माप आ चुका है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा जो कमर का जो मेजरमेंट वो भी हो गया और लेंथ भी हो गई है अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब लेंथ की हम कटिंग करेंगे। देखिए हमने हमारी कमर कट के रेडी हो गई है और इस तरीके से हमारा जो लहंगा है उसकी जो नीचे की लंबाई है वो भी हमने कट कर दी है। अब इसमें आप देखिए हमारा जो कपड़ा हमने 3 मीटर लिया है यानी अर्ज में पूरा था कपड़ा तो कहीं भी जॉइन नहीं आया लेकिन अगर ये अर्ज में कम होता तो इसमें जॉइन आता। अब हम इसका बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब मैं इसकी बेल्ट की कटिंग करके आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं 5 इंच का बेल्ट पट्टी रखूँगी वो इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से फोल्ड होकर रेडी जब हमारा होगा तो वो 2 इंच बेल्ट तैयार हो जाएगा क्योंकि मैं पहले सेफ सिलाई करती हूँ उसके बाद मैं इसकी जो बेल्ट है उसको अटैच करती हूँ इसलिए मैं 5 इंच का बेल्ट लूँगी। तो 5 इंच का हम निशान लगा देंगे 5-5 इंच का ये इस तरीके से हम 5-5 इंच का मार्क कर लेंगे। 2 इंच ये आप देखिए जो मैंने बेल्ट है वो 2 इंच मैंने आपसे कहा था और मैं 5 इंच की पट्टी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब ये जो बेल्ट तैयार करते हैं तो मैं उसके पहले सेफ सिलाई करने के लिए 1/2 इंच इधर से फोल्ड करती हूँ और 1/2 इंच इधर ताकि जब हम इस तरीके से बेल्ट को तैयार करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब हम बेल्ट अटैच करते हैं तो ये जो रेशे दिख रहे हैं इस तरह से जो रेशे खुले हुए ये नहीं दिखते हैं इसलिए मैं बेल्ट की जो लंबाई है मैं जो है मैं उसे 18 लूँगी 18 यानी हमारी कमर है 16 × 32 और उसके आगे जो हम सिलाई के लिए पट्टी उठेंगे तो मार्जिन रहेगी तो हम यहाँ पर 18 की हम लंबाई रखेंगे वहाँ एक मार्क कर लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने 5 इंच रखी है। अब हम इस बेल्ट को कट कर लेंगे। हमने बेल्ट भी तैयार कर लिया है बेल्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अब मैं इसका आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ। ये देखिए जो हमने अभी लहंगा कटिंग किया है उसको अब स्टिच कर रहे हैं तो मैंने पहले इसका सॉरी मैंने जो आप लाइनिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई वो क्लिप डिलीट हो गई थी। अब ये जो अस्तर है उसके साथ मैंने इसका जो नेपा है वो बना रहे हैं वो देखिए ये नेपा बन चुका है हमारा। अब इसी तरीके से हम इसका जो बॉटम का जो दूसरा हिस्सा अभी कमर का जो ऊपर से हम लगभग 1 इंच का दबाव बनाते हुए नेपा बनाएंगे।
ये इस तरीके से हम नेपा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए, अब हम लहंगे की बेल्ट तैयार करेंगे, तो उसके लिए जो कपड़े की जो है, अब देख रहे हैं ये कपड़ा है, इसको हम एक लाइन हल्का सा ओटेंगे, फिर डबल ओट करेंगे, और डबल ओटने के बाद ही हम इसको तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा जो बेल्ट है वो तैयार हो रहा है। अब ये दूसरा तरफ, और जो ये ऊपर की साइड का है, और इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो बेल्ट का जो आप लंबाई लेते हैं वो फिक्स नहीं रहे। अगर आप 2 इंच का बेल्ट ले रहे हैं तो उसके लिए आप कम से कम 5 इंच का मार्जिन रखकर अगर बेल्ट काटेंगे तो आपकी जो बेल्ट की फिनिशिंग रहती है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कटिंग के वक्त कि जब हम बेल्ट तैयार करते हैं 1 इंच में ज़्यादा ही लेती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ दबाव के लिए कपड़ा चाहिए। ये देखिए, हम जो बेल्ट तैयार कर रहे हैं, हमारा बेल्ट तैयार हो चुका है। आइए, आप देख सकते हैं कि हम जो बेल्ट अटैच करेंगे, तो ये हमारा लहंगे का कपड़ा है और ये हमारा बेल्ट का है। ये अब हम इस तरीके से पहले लहंगे के कपड़े को रखेंगे, उसके ऊपर बेल्ट के कपड़े को, और दोनों का सेम दबाव बनाते हुए एक फुटर की सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं, मेरा बेल्ट लगभग तैयार हो चुका है। और सॉरी, मैंने पहले भी कहा है कि इसका जो लाइनिंग जो मैंने कटिंग की थी उसका वीडियो में आप क्लिप आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और ये हमारा लगभग बेल्ट अब पूरा हो चुका है। अभी हम बेल्ट पूरा कर आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने पहले बैक साइड यानी उल्टी साइड से बेल्ट अटैच किया था, अब हम उसे फोल्ड करते हुए फ्रंट साइड पर लाए हैं, और इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अब देखिए, हम जो बेल्ट इस तरीके से अटैच करेंगे, की सिलाई के साथ हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे। और आप देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट दिखाई दे रहा है। ये हमारा बेल्ट लग चुका है। बेल्ट लगने पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा है ये। ये देखिए आप, हमारा जो लहंगा है लगभग मतलब पूरा तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ, ये इसका बेल्ट है और ये लहंगा है। अब इसकी जो फिटिंग की सिलाई है, बस वो अटैच करनी बाकी है, और फिटिंग की सिलाई अटैच कर मैं आपको बताती हूँ। और ये लास्ट में जो हमारा बॉटम है, इसकी हम जो पढ़ते हैं या कह सकते हैं ये बाउंड्री है, ये बॉटम को हम
इंटरलॉक करेंगे, या आप इसे पट्टी लगा कर भी दबाव के साथ बना सकते हैं या लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ नॉर्मली या तो पीको करूँगी या इंटरलॉक करूँगी। और ये रेडी कर कर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें जब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यानी मेन जो दो परत है, ये पहली और ये दूसरी, दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से हमें मेज़र कर लेना है कि कहाँ कोई हिस्सा बड़ा या छोटा तो नहीं है, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हम लाइनिंग और अस्तर दोनों को साथ में ही ज्वाइन कर लें। लहंगा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें पीको करूँगी, अब पीको कर कर मैं आपको बताती हूँ।